आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को मूल वेतन का 25% हिस्सा प्रोत्साहन भत्ते के रूप में देने की घोषणा की गई है। इसका संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने विरोध किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ राज्य सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड का इलाज करा रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को मूल वेतन का 25% हिस्सा प्रोत्साहन भत्ते के रूप में देने की घोषणा की गई है। इसका संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने विरोध किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ राज्य सरकार सौतेला रवैया अपना रही है। उसमें केवल जो कर्मचारी कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं और चिकित्सक हैं, केवल उनके ही लिए अनुमन्य शासनादेश किया है, तो ऐसे शासनादेश की हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं सभी इस कोविड काल में अपना जी जान से तन मन से काम कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं। 25 मई को प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर उक्त शासनादेश की प्रतियां जलाकर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने कहा कि इसके विरोध में 25 मई को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश भर में राज्य कर्मचारी प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि सभी चिकित्सा कर्मियों को, चाहे वो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियों को अंजाम दे रहे हैं। अब चाहे कोई भी इमरजेंसी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन सरकार ने उसमें कटौती करते हुए और सरकार के अधिकारियों ने उसमें कटौती करते हुए केवल उन्हीं लोगों को, उन्हीं चिकित्सा कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता देने की इसमें शासनादेश में बात कही है कि जो कोविड वार्ड में ड्यूटी करेंगे। इससे कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है और 25 मई को हम सब लोग विभिन्न चिकित्सालय में, विभिन्न कर्मचारियों के नेतृत्व में चिकित्सालय में, विभिन्न कर्मचारियों के नेतृत्व में उस शासनादेश की प्रतियां जलाएंगे। राज्य कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश के जिला महामंत्री वीरेंद्र ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महज कोविड अस्पताल में मरीजों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता देने की घोषणा की है, यह ठीक नहीं है। इस वैश्विक महामारी में राज्य कर्मचारी अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रोत्साहन भत्ते को तो छोड़ो, सरकार ने कर्मचारियों के एरियर को भी सीज कर रखा है। 25 मई को प्रदेश स्तर पर होने वाले इस प्रदर्शन में राज्य कर्मचारी सरकार के अतिरिक्त भत्ते वाले आदेश की प्रतियों को जलाएंगे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।